Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and this side is Lochan. तो आज जो हम DIY करने जा रहे हैं उसके लिए हमें चाहिए कुछ इस तरह का कोई वेस्ट कंटेनर। आप चाहे तो यहाँ पर प्लास्टिक या ग्लास का कंटेनर भी यूज़ कर सकते हैं। बेस कोट के लिए हम यूज़ करेंगे चॉक पेंट। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर चाहिए तो इसीलिए मैंने इन दोनों कलर को मिक्स किया है। नाउ कलर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप इस तरह से डैबर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास डैबर नहीं है तो सिंपली आप कोई भी स्पॉन्ज यूज़ कर सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ पर ब्रश भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंगल कोट ही अप्लाई किया है और मुझे इसमें फिनिशिंग अच्छी ही लग रही है। अगर आपको लगता है कि आपके उसमें फिनिशिंग अच्छे से नहीं आई है तो जब ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाता है तो आप उसके ऊपर एक कोट और दे दें। सेकेंड कोट भी जब अच्छे से ड्राई हो जाए तो इसके ऊपर जो भी आप बनाना चाहते हैं उसे आप पेंसिल की हेल्प से ड्रॉ करें। लाइक मैंने यहाँ पर प्लांटर्स ड्रॉ किए हैं। जिस साइज़ का प्लांटर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ऑलमोस्ट उसी साइज़ का मैंने यहाँ पर प्लांटर क्ले की हेल्प से बनाया है। मे बी आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि ये क्ले कौन सा है, तो ये क्ले है होममेड क्ले। अगर ये वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है कि होममेड क्ले मैंने कैसे बनाया है तो इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। नाउ जब आप प्लांटर्स को अच्छे से अरेंज कर लेते हैं उसके बाद उसके ऊपर हमें कुछ इस तरह से टेक्सचर बनाना है। उसके लिए आप चाहे तो इस तरह से कटर यूज़ कर सकते हैं या फिर कोई और टूल से भी आप टेक्सचर बना सकते हैं। यहाँ पर हम कैक्टस प्लांट बना रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्ले को शेप देना है और इसे हमें फेविकॉल की हेल्प से इस तरह से स्टिक करना है। नाउ डिटेलिंग वर्क के लिए आप यहाँ यूज़ कर सकते हैं टूथपिक। बहुत ही सिंपल है ये, आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक और प्लांट बना रहे हैं उसके लिए आपको सिंपली क्ले को रोल करना है और इस तरह से बैंड करके उसे स्टिक करना है। होममेड क्ले बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है और इस क्ले की हेल्प से हम काफ़ी डिटेलिंग वर्क भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी टेक्सचर बनाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कटर। जब एक बार आपसे परफेक्ट होममेड क्ले बन जाती है तो आप इससे अच्छी सी नेम प्लेट भी बना सकते हैं। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप आर्टिफैक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ा तो यूज़फुल लग ही रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लग रहा है देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ मैं और लेके आने वाली हूँ। नाउ यहाँ पर ब्रश की हेल्प से इस तरह से हमें ग्रास पेंट करना है और यहाँ पर जो मैं कलर यूज़ कर रही हूँ वो है एक्रिलिक कलर। थोड़ा और 3D लुक देने के लिए हम यहाँ पर क्ले की हेल्प से इस तरह से ग्रास और कुछ इस तरह से स्टोन या पेबल्स बना करके स्टिक करेंगे। यहाँ पर पेंसिल की हेल्प से फर्स्ट हमने बी ड्रॉ किया है और उसे हम इस तरह से पेंट करेंगे। यहाँ पर अगेन मैंने एक्रिलिक कलर यूज़ किया है। आप चाहे तो यहाँ पर बटरफ्लाई बना सकते हैं या कुछ भी बर्ड वगैरह बना सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इसे किस तरह से अच्छे से डेकोरेट करते हैं। नाउ अगेन यहाँ पर हम 3D लुक देने के लिए येलो क्ले यूज़ कर रहे हैं, उससे हम इस तरह से उसका फेस बनाएंगे। बाकी जो इसका बॉडी पार्ट है उसे हमने कलर से पेंट किया है और जो उसका फेस है वो हमने क्ले से बनाया है। नाउ यहाँ पर मैं क्लाउड्स बना रही हूँ, इन्हें भी आप क्ले की हेल्प से बना सकते हैं। बी का जो एंटीना है वो हमने एक्रिलिक कलर से ड्रॉ किया है और यहाँ पर थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर स्मॉल स्मॉल बॉल्स बनाई है हमने क्ले की और इस तरह से स्टिक कर दी। डिटेलिंग वर्क जब हम अच्छे से करते हैं तो हमारा आर्ट वर्क भी और अच्छा लगता है। तो जब भी आप डिटेलिंग वर्क करते हैं तो बहुत पेशेंस के साथ में करें। नाउ इसे ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ शार्पी मार्कर। इस मार्कर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया हुआ है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आप मार्कर से नहीं बनाना चाहते हैं, आपके पास मार्कर नहीं है, तो सिंपली आप 0 नंबर या 00 नंबर ब्रश की हेल्प से भी इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ हम पेंट कर रहे हैं लव ग्रोज हियर और इसे डायरेक्टली मैंने पेंसिल की हेल्प से नहीं लिखा है। फर्स्ट मैंने पेपर पर राइट किया है और फिर इसके ऊपर ट्रेस किया है।
अगर हम डायरेक्टली इसके ऊपर करेंगे तो मिस्टेक तो होगी, तो उस केस में अगर हम बार बार को इरेज करेंगे तो हमारा जो बेस कोट कलर है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर जो मैंने लव लिखा है और जो ये लीव्स बनाई है वो मैंने एक्रेलिक कलर की हेल्प से बनाया है, और अब जो मैं ग्रोज हेयर लिख रही हूँ वो मैं शार्पी मार्कर की हेल्प से लिख रही हूँ। यहाँ पर आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि लव जो मैंने लिखा है वो मैंने लिखा है एक्रेलिक कलर से, और ग्रोज हेयर जो लिखा है वो मैंने शार्पी मार्कर की हेल्प से। शायद आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि मैं इतना क्लियर क्यों कर रही हूँ कि ये मैंने इससे लिखा है और ये मैंने इससे लिखा है, तो इसका आंसर आपको लास्ट में मिलेगा। नाउ इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए यहाँ पर हम ये जूट रोप यूज़ कर रहे हैं। इसको सिंपली आपको इस तरह से फेविकोल की हेल्प से स्टिक करना है। आप यहाँ पर चाहे तो कोई डेकोरेटिव लेस भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर काफ़ी बारीक बारीक से रेशे होते हैं तो वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो उनको आप कुछ इस तरह से बर्न कर सकते हैं। जब एक बार ये कंप्लीट हो जाता है तो इसे अच्छे से ड्राई होने दें, क्योंकि हमने इसके ऊपर क्ले वर्क किया है तो इसे एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ के लिए ड्राई होने दें। नाउ ये अच्छे से ड्राई हो गया है और अब हम इसके ऊपर कर सकते हैं वार्निश। मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि जब हम शार्पी मार्कर से कुछ भी ड्रॉ करते हैं और जब हम उसके ऊपर वार्निश करते हैं तो जो हमने मार्कर से ड्रॉ किया हुआ होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रोज हेयर जो हमने लिखा है वो हमने शार्पी मार्कर से लिखा था, और इसके ऊपर जब हम वार्निश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी फैल नहीं रहा है, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है कि आप ये मिस्टेक कर रहे हो कि कलर्स को आप अच्छे से ड्राई ही नहीं होने दे रहे हैं और वार्निश अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपके कलर्स पूरे फैल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर सिंपली इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।